सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा आइसक्रीम 4 को एस्केप कैसे करना होता है और क्या क्या टास्क पजल्स करने होते हैं। ओके, सो पहला था ये रेंच वाला जो कि यहाँ पे मिल जाता है हमें। अब ये लॉक को इस तरह से ब्रेक करना है जो कि ब्रेक द लॉक वाला पजल कंप्लीट हो जाता है। अब हम वैसे मैं इसे घोस्ट मोड पे गेम प्ले कर रहा हूँ, मैंने हार्ड मोड ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो आप हार्ड मोड देख सकते हो, आपको लगता है कि सिर्फ मैं मतलब घोस्ट मोड नहीं खेल सकता, ठीक है, सारे मोड खेल सकता हूँ इसमें से। मैं ये आपको सिखाने के लिए, अगर आप न्यू हो तो, ठीक है। अब हमें जो करना है वो है, एक मिनट पहले मैं इसे दोनों तरफ से अनलॉक कर दूंगा क्योंकि वो सामने से नहीं खुलता, इस साइड से खुलता है, ठीक है। अगर आप हार्ड मोड या नॉर्मल मोड खेल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसको खोलना है, ठीक है। अब हम जो ढूंढ रहे हैं वो है ये ट्रॉफी। ओके, सो ट्रॉफी हमें मिल चुकी है। ये ट्रॉफी का जो नीब है ना गाइस, वो एज अ स्क्रू ड्राइवर काम करता है, जिससे कि हम एक वेंट को ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट नीचे। अभी घोस्ट मोड है तो आइसक्रीम वाले चाचा हमें कुछ नहीं बोलेंगे, हेलो। हम फटाफट से कर सकते हैं। अब देखो, आप स्टेप वाइज समझने की कोशिश करो कि करना क्या होता है, ठीक है। और अगर आप किसी भी आइटम की लोकेशन पे स्टक हो जा रहे हो तो आप मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जैसे ये ट्रॉफी का फर्स्ट लोकेशन है। ओके नाइस, ओपन। ओके, कर दिया मैंने ओपन ये वेंट को, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा आगे। और गाइज मैं बता दूं, अगर आपको ये जो ट्रॉफी थी वहाँ नहीं मिल रही है जहाँ से मैंने उठाया, तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो, मैं ट्रॉफी की सारी लोकेशंस की वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब भी मुझे चाहिए एक आइसक्रीम जो कि पिंक आइसक्रीम है। ओके पिंक, ओके ये रही, ये रही, ये रही। ओके, पिंक आइसक्रीम भी हमें मिल चुकी है। अभी हमको करना क्या है मालूम है आपको? इस ओके, मैंने पहले फिलहाल इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया ताकि आपको बोर ना हो। ओके, यहाँ पे अभी फटाफट जाते हैं। इस आइसक्रीम को हमें लगाना होता है एक आइसक्रीम मशीन में। 3 आइसक्रीम लगाने से हमें मिलेगा एक सुपर स्टिकी गम, ठीक है। अब देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ओके, अब रोक देते हैं फास्ट फॉरवर्ड को। ओके, ओके ये रही वो मशीन, ठीक है। ओके, हमने एक लगा दी, ऐसी 3 आइसक्रीम्स लगानी होती है। तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, वो मिलेगा हमें वेयर हाउस के अंदर, यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी और आगे। ओके, यहाँ पे मिलेगा। ओके, ये रहा ग्रीन आइसक्रीम, तो इसे जाके लगाते हैं। फास्ट फॉरवर्ड फिर से कर लेते हैं। नाइस 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 नाइस। ओके, सो गाइज अगर आपको यहाँ का लोकेशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है और आप चाहते हो कि मैं इसके लिए मैप वीडियो लाऊं, यानी आपको समझाने के लिए ये एरिया कहाँ से कहाँ निकलते हैं, कहाँ पे मतलब कौन से वेंट से जाएंगे तो कहाँ से निकलेंगे। ओके, ये रही थर्ड आइसक्रीम, मैं थर्ड आइसक्रीम लगा देता हूँ जाके। ओके हाँ, ओके गाइस, फाइनली अब मुझे वो जो सामने सुपर स्टिकी गम जो चॉकलेट है वो मिल जाएगी, यानी वो च्युइंगम टाइप है आई थिंक। ओके, च्युइंगम से ज़्यादा है क्योंकि सुपर स्टिकी गम नाम है उसका। ओके, गेट द सुपर स्टिकी गम वाला पजल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कोड ढूंढेंगे। ओके, यानी पासवर्ड। तो इस लोकेशन पे जो भी आपको पासवर्ड मिले वो हमेशा लास्ट डिजिट में लगता है, यानी 4 डिजिट का पासवर्ड खोजना होता है, उसमें से वहाँ वाला लास्ट में लगता है। और जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं लिखा पर कभी लिखा हुआ तो वो फर्स्ट पे आता है। यहाँ भी कभी कभी लिखा होता है वो भी फर्स्ट पे आता है, अगर यहाँ लिखा है तो वो फर्स्ट पे आ जाएगा, सीक्वेंसली जाता है। अभी देखो यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 पहला और 3rd, 3 लास्ट, 7 सेकेंड। समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ मैं? आई थिंक आप गेट कर पा रहे हो। जो 3 है वही लास्ट डिजिट होता है, बाकी सब सीक्वेंसली जाता है। ओके, 6। हमने नंबर्स के कॉम्बिनेशन भी ढूंढ लिए हैं, आई मीन जो कि यूज होने वाला है यहाँ पे इस जगह पे, जिससे हमें मिलेगा इलेक्ट्रो गन। यस गाइस, ओके अब इन सब का यूज क्या होता है आपको लास्ट में जरूर से समझ जाएगा। पहले जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप भी गेम में वैसे ही करते जाओ, आपको बहुत आसानी से गेम क्लियर कर लोगे आप लोग। ओके, इसे खोलेंगे तो ये एक शॉर्टकट रास्ता है जो हम उस तरफ से एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिलहाल मैंने इसे यहाँ पे फेंक दिया है। ओके, वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड करिए मैंने। ओके, तो जल्दी जल्दी से जाते हैं। अब हमें जरूरत है स्टेप लैडर की जो कि इस तरफ मिलता है। स्टेप लैडर के लिए हमें चाहिए होता है क्रोबार। क्रोबार फिर से हमें गैराज में जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल मोड या हार्ड मोड खेल रहे हो तो आपको रॉड अंकल से सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ, इसलिए इसको घोस्ट में खेल रहा हूँ, ठीक है। अब इसे ले जाके हम ये वाले प्लैंक्स खोलेंगे और इस घर के अंदर हमें मिलेगा स्टेप लैडर, यानी चढ़ने के लिए छोटी सीढ़ी होती है ना,
दो तीन स्टेप्स वाली होती है. ओके, सो स्टेप लैडर हमें मिल चुका है. ओके, इसका यूज नीचे होने वाला है एक रूफ को तोड़ने के लिए. अब देखो इसमें करना क्या होता है ना, मैं आपको लास्ट में अच्छे से और बताऊंगा, क्योंकि अभी ये स्टेप्स को फॉलो करते जाओ आप. सो इसके लिए हमें यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है, इसका यूज जहाँ पे होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, ये सामने रहा. ओके, सो मुझे सारे शॉर्टकट रास्ते मालूम है, इसलिए मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ. ठीक है, सो अभी मुझे चाहिए फायर इंस्टिंग्यूशर, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ. फायर इंस्टिंग्यूशर टोटल चार प्लेसेस पे मिलता है. अगर आपको मुझे जहाँ से मिल रहा है फायर इंस्टिंग्यूशर, अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है, मुझे तो ये वाली जगह पे फायर इंस्टिंग्यूशर मिल गया है. अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो चार और तीन और लोकेशन है, उसकी वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप विजिट करके देख सकते हो. ठीक है, तो आप ये जाके वहाँ ही लगाना है, मुझे वहाँ से ही यूज़ करना है. ओके, देखो ये स्टेप लैडर हम चढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और ये फायर इंस्टिंग्यूशर का यूज़ करेंगे रूफ तोड़ने के लिए, यानी टूटा हुआ ऑलरेडी ब्रोकन रूफ है वो. ओके, एक मिनट, मैं यहाँ से फिसल गया गाइस. ओके, सो हमें ब्रोकन रूफ को फिर से तोड़ना है, जो कि उस तरफ से फ्लोर है बट इस साइड से रूफ है. ये वही है जहाँ पे वो रोबोट बोरिस खड़ा हुआ है हमारे कंट्रोल रूम के दरवाजे को ब्लॉक करके. ओके, सो ये भी हो चुका है. अब हमें चाहिए एक क्लॉथ, कारपेट आप कह सकते हो, जो ढक दे. अब करना क्या है, जो बोरिस है ना उसे कंफ्यूज करना है. ओके, इसे मैंने ब्लास्ट कर दिया. इसके पास होता है आईडी कार्ड लगा के हमें मिलता है कारपेट या क्लॉथ, जो कहना कह लो. ओके, सो कारपेट कारपेट लेने के लिए तीन लोकेशंस होते हैं, पहला ये है, और दूसरा वो जहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया था, तीसरा वेयर हाउस है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ. तो फटाफट से वीडियो का फास्ट फॉरवर्ड कर देते जल्दी जल्दी से, ताकि आपको बोर ना हो. ओके, ये वाली जगह है दूसरी. ओके, इसमें लग चुका है एंड मुझे यहाँ से मिल चुका है. ऑब्वियसली गाइज ये मुझे पता ही होगा, बिकॉज मैंने खेला है ज़्यादा टाइम इसको. सो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसलिए इसे देख के मुझे बिल्कुल भी जज मत करना. आप मेरी हार्ड मोड वाली वीडियो को देख सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो इस गेम के बारे में तो. ओके, मैं कारपेट को यहाँ पे थ्रो कर देता हूँ, और जल्दी से जो गन है इलेक्ट्रो गन वो लेके आ जाता हूँ, बिकॉज मुझे एस्केप करने के लिए टोटल तीन चीज़ों की ज़रूरत है, इलेक्ट्रो गन, कारपेट और सुपर स्टिकी गम. और तीनों ही मैंने ले लिए गाइज, यानी मुझे तीनों ही मिल चुका है, यानी एस्केप के हम बहुत नज़दीक हैं. तो जल्दी से मैं पहले जाके सुपर स्टिकी गम को लगा देता हूँ जहाँ पे यूज़ है. तो गाइज अब मैं बताता हूँ हमें यहाँ से एस्केप कैसे करना होता है. ये देखो, ये जो हमने रूफ तोड़ी थी वो यहाँ का फ्लोर है. अब हमें क्या करना है, इधर सुपर स्टिकी गम लगा देना है और इसके ऊपर कारपेट लगा देना है, जिससे कि होगा ये कि जो रोबोट है इसे ये होल दिखाई नहीं देगा, और हम होल को छुपा देंगे, और कारपेट के ये साइड खड़े होके उस पर फायर करेंगे इलेक्ट्रोगन से, जिससे कि उसकी नींद टूट जाएगी और वो हमें मारने आएगा, और मारने आएगा बट उसे होल नहीं दिखाई देगा और वो नीचे गिर जाएगा, जिससे कि हम कंट्रोल रूम को एक्सेस कर पाएंगे. ओके, सो मैं इसको लगा देता हूँ, एक मिनट. ओके गाइस, फाइनली ये भी हो चुका है. अब जो लास्ट स्टेप है ये मुझे बहुत पसंद है सच में, बिकॉज इसमें हमें मारना होता है. ऐसा मत बोलना, मतलब मैं मुझे मारना वगैरह पसंद है बट गेम में तो चलता है. ओके, सो ये ले भाई तू. ओके, दूसरी भी ले. ओके, दूसरे से कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन ये जाग चुका, अभी ये मुझे मारने आएगा. वेट 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 सल्लू भाई, नो. ओके गाइस, तो हमने ये भी कर लिया, यानी हमारा प्लान सक्सेसफुली वर्क कर गया है, एंड फाइनली गाइज हमने इससे एस्केप कर लिया है. और आपको भी अगर एस्केप करना है तो यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सो फाइनली ये वाला बटन प्रेस करते ही हो जाएगा एस्केप. बूम बाम गाइज, हमने एस्केप कर लिया है आइस क्रीम 4. ओके, नाइस नाइस. सो अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आया तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके, वेट 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 वेट, ये देखो ये भी मजेदार है. ओके, वेट वेट, भाग जा भाई भाग जा. ओके, ये बंदा अटक गया था बट स्टिल बच गया. सो मैं बोल रहा था कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन रखना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ. और हार्ड मोड का मेरा सीरीज चल रहा है आइसक्रीम का, आप उसे एंजॉय कर सकते हो. मैं हार्ड मोड में ही गेम प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुराना सा गेम है बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है. आई थिंक आपको भी पसंद होगा, कॉमेंट में बताना पसंद है या नहीं. ठीक है.